सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है और आजकल वो गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, जिसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसेवाले को मारा है और जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा, और पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फरौती लेता है और जो व्यापारी फरौती नहीं देता उसको मार दिया जाता है। कल क्या हुआ, जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है। पिछले 6 महीने पहले हमने शोर मचाया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने CIA में जहां इंटरोगेशन होता है वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ, जो ऐसे चलता है जब कोर्ट में जाता है जैसे देश का गृह मंत्री जाता हो, जो व्यक्तियों के कत्ल करता है क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी और नहीं करेगी, और जाना लोगों को मारने का काम करता है। ये बाहर की बातें करते हैं लेकिन देश में जिस बंदे ने आतंक फैला रखा है उसके बारे में कुछ करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है और आजकल वो गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, जिसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसेवाले को मारा है और जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा, और पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फरौती लेता है और जो व्यापारी फरौती नहीं देता उसको मार दिया जाता है। कल क्या हुआ, जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है। पिछले 6 महीने पहले हमने शोर मचाया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने CIA में जहां इंटरोगेशन होता है वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ, जो ऐसे चलता है जब कोर्ट में जाता है जैसे देश का गृह मंत्री जाता हो, जो व्यक्तियों के कत्ल करता है क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी और नहीं करेगी, और जाना लोगों को मारने का काम करता है। ये बाहर की बातें करते हैं लेकिन देश में जिस बंदे ने आतंक फैला रखा है उसके बारे में कुछ करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है और आजकल वो गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, जिसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसेवाले को मारा है और जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा, और पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फरौती लेता है और जो व्यापारी फरौती नहीं देता उसको मार दिया जाता है। कल क्या हुआ, जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है। पिछले 6 महीने पहले हमने शोर मचाया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने CIA में जहां इंटरोगेशन होता है वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ, जो ऐसे चलता है जब कोर्ट में जाता है जैसे देश का गृह मंत्री जाता हो, जो व्यक्तियों के कत्ल करता है क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी और नहीं करेगी, और जाना लोगों को मारने का काम करता है। ये बाहर की बातें करते हैं लेकिन देश में जिस बंदे ने आतंक फैला रखा है उसके बारे में कुछ करना चाहिए।